नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शैली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद रुद्रपुर पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो के माध्यम से जनता का अभिनंदन भी किया है। इस दौरान उनके द्वारा रोड शो करते हुए गांधी पार्क से गाबा चौक, इंदिरा चौक, डीडी चौक से किच्छा बाईपास होते हुए जिला कार्यालय में भी रोड शो का समापन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर फूल वर्षा करके स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, किच्छा विधायक समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। मंत्री बनने से युवाओं में और पूरी जनता में जोश आ चुका है और जो हमारे केंद्र नेतृत्व का आदेश है 60 पार, हम 60 से भी अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। और देखा होगा आपने, चारों तरफ उत्साह है। इस शहर में भी पहली बार आपको कई झंडे, बैनर, होर्डिंग लगाने की जगह नहीं मिल रही है। इतने होर्डिंगों से, इतने झंडों से शहर पड़ चुका है और लोगों में अपार समूह है। फोन आ रहा है कि आपने अभी से जंग जीत ली है, अब तो खाली निर्णय आना बाकी है ऐसे युवाओं के, क्योंकि माननीय धामी जी की कर्मभूमि रही है सिडकुल। कुछ युवाओं के लिए वो पहले भी संघर्ष करते रहे और अभी उन्होंने कहा है कि एक माह के अंदर हम कई हजार नौकरियां युवाओं को देने वाले हैं। हमें उम्मीद ही उम्मीद है और अच्छा ही काम होता आ रहा है। आज तक हमारे मोदी जी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए, हमारे मुस्लिमों के लिए, हमारे बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी अच्छा करा, हमारे नए मुख्यमंत्री भी अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बनने पर पूरे प्रदेश के अंदर में उत्साह है, उमंग है। अब की बार युवा सरकार 60 के पार नारे के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, जो एक प्रदेश में 5 अध्यक्षों के साथ खुद चुनावी मैदान पर आना चाहते हैं, ऐसे विपक्षी की पार्टी की मैं समझता हूँ चर्चा करना भी बेकार है। पूरे प्रदेश के युवा उत्साहित हैं उमंग से, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नारा है, उमंग, उत्साह और ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश के लोगों को रोजगार दिलाने का काम। तो आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर उनके आगमन पर लोग कितने ज्यादा उत्साहित नजर आए। फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए गए हैं और साथ ही काफी तादाद में लोगों का हुजूम यहाँ पर उनके स्वागत के लिए उमड़ा हुआ दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। हर कोई काफी खुश यहाँ पर नजर आया। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर चुनाव से पहले ही सीएम की जीत नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी गौतम सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से तस्वीरें देखकर साफ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं वो कितने उत्साहित हैं अपने नेता को अपने बीच में पाकर, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वाकई ही चुनाव अभी नहीं हुए लेकिन उससे पहले ही उनकी जीत यहाँ पर मानी जा रही है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, लगातार यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सीएम बनने के बाद में पहली बार यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर आए हैं। आपको बता दें, दो दिवसीय उनका दौरा है। आज उन्होंने कई जगहों पर लोगों से मुलाकात करी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उनके आगमन की तैयारियां की गई है। जहां जहां वो गए हैं वहां कुछ कुछ जगह पर रोड शो के दौरान उनका ठहराव भी था, तो वहां पर लोगों की ओर से पुष्प वर्षा की गई है, ढोल नगाड़े यहां पर बजाए गए, हर कोई उनके आगमन से बेहद उत्साहित नजर आया। आपको ये भी बता दें, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव है और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां अभी से तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। गौतम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गौतम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गौतम, मेरी आवाज आ रही है? तो गौतम, जिस तरीके से तस्वीरें जो हैं उनमें साफ लग रहा है कि वाकई ही सीएम को अपने बीच में पाकर आमजन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, आप खुद वहां पर मौजूद थे, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ नजारा वहां पर रहा।
आज पहली बार अपने गृह जनपद उधमगढ़ जिले के मुख्यालय उधमपुर पहुंचे। जैसे ही उसको पहुंचने की खबर मिली, पूरा उधमगढ़ जिले के अंतर्गत जितनी भी भाजपा कार्यकर्ता, सभी वर्ग के, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी कार्यकर्ता कतर में खड़े होकर फूल माला से उनके ऊपर फूल ले से स्वागत किया और काफी खुशी दिखने को मिला। वहीं पुष्कर धामी को रथ में बैठा कर रुद्रपुर के जितने भी मुख्य मार्ग, सभी मार्ग में उनको एक प्रकार का स्वागत हुआ। हर मार्ग में लंबे लंबे लाइन लगा के लोगों ने फूलों के माला स्वागत किया। फिलहाल लोगों का ये खुशी है कि युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए कुछ अनोखा इस बार करेंगे, क्योंकि कुल 5 या 6 महीने बचा हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ कर पाएंगे तभी उनका दोबारा मुख्यमंत्री बनने का चांस है, लोगों का ये भी कहना है। जी प्रीति, आप खुद वहां पर मौजूद थे, आपने देखा किस तरीके से लोग जो हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए, पुष्प वर्षा यहां पर उनके ऊपर की गई है। कह सकते हैं कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक जो है वो उनकी जीत को लेकर पहले से ही आशान्वित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसे प्रतिमा को बताऊंगा की जैसे पिछले 4.5 वर्ष में 2 मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, इसमें युवा चेहरा को लाकर मुख्यमंत्री को बनाया। कुल मिलाकर भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है कि भाजपा संगठन मिलकर अगर एकत्र होकर सभी काम करे। अभी लोगों को जो भाजपा का जो विजन है, जो मोदी जी का जो विजन है, अगर आम जनता को खोसा है तो कुछ संभव है, ये लोगों का कहना है। लेकिन अभी भी बहुत खतरा है, क्योंकि भाजपा में जिस प्रकार से युवाओं में अगर युवा चेहरा लाए और युवाओं में विशेषकर अगर कुछ, जैसे कि अभी इसी 4.5 वर्ष में कोई जॉब नहीं दे पाए, नौकरी नहीं मिल पाए और महंगाई बहुत हो रही है, जिस कारण लोगों में काफी आक्रोश भी है। क्योंकि विशेषकर मुख्य नया नियुक्त मुख्यमंत्री का बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, युवाओं को लेकर बेरोजगार बहुत है, महंगाई बहुत हो रही है और वहीं किसान आंदोलन भी है, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, तभी आगे लोग सोचेंगे बीजेपी के लिए क्या करना आगे। तस्वीरों में तो गौतम हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अपने नेता को अपने बीच में पाकर यहाँ पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। आप कह रहे हैं कि वाकई एक वर्ग ऐसा भी है जो बेरोजगारी से काफी परेशान है, तो सीएम को अगर जीतना है तो वाकई यहां पर बेरोजगारों के लिए कुछ कामकाज करने पड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इतनी खुशियां जो यहां पर दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ सीएम के लिए टेंशन की भी बात है। उन्हें लगता है कि इतने लोग अगर इतनी उम्मीदें उनसे लगाकर बैठे हैं तो तमाम उम्मीदें पूरी करनी पड़ेगी उन्हें। बिल्कुल, जिस प्रकार से नवनियुक्त युवा चेहरा मुख्यमंत्री को लाया है भाजपा द्वारा, हाईकमान द्वारा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और विशेषकर युवा होने के नाते जो रोजगार बेरोजगार बहुत है, समय काफी शिक्षित हर वर्ग के हर क्षेत्र में बेरोजगार है और उसको नौकरी के लिए कोई ना कोई योजना बनाना पड़ेगा। विशेषकर जो किसान आंदोलन कर रहा है उसके लिए कोई ना कोई समाधान केंद्र या राज्य मिलकर कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। फिर जाके आप सभी एक होकर अगर एक साथ चुनाव लड़े तब जाके कोई ना कोई संभव है, ये लोगों का कहना है। विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कई हजारों मतलब सैकड़ों के तहत मुस्लिम संगठन के लोग, महिला घर से निकल के रोडों पर लंबे लंबे लाइन कतर में खड़े होकर फूलों से स्वागत किया। अब मुस्लिम महिलाओं का भी ये कहना है कि हमें युवा चेहरा मिला, बहुत उम्मीद है नए मुख्यमंत्री से। अब जनता नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए पीछे का क्या करते हैं, आगे क्या योजना है। बिल्कुल गौतम, 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर वो आए हैं, आज उनका पहला दिन है। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहे, क्योंकि रोड शो जो है वो तो लगातार दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, लेकिन रोड शो के अलावा आज क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहे, और उसके अलावा अगर कल की बात करें तो कल क्या कुछ खास रहने वाला है। आज जैसे कार्यक्रम मैं बताऊं, आज रोड शो किया, रोड शो करने के बाद लगभग 4 बजे जो अपने भाजपा के जिले के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता, उनके साथ एक बैठक लेंगे। बैठक में जो भाजपा उधमपुर जिले के जो पितर जो भाजपा कार्यालय हो वहाँ पर बैठक करेंगे। अब बैठक करके जो आगामी 2022 के चुनाव का रणनीति बनाएंगे, उसके बाद लगभग 5-5:30 बजे जिले के आला अधिकारी के साथ जिला कार्यालय में वहाँ पर एक बैठक लेंगे अधिकारी के साथ कि नया रणनीति क्या है, मुख्यमंत्री का क्या किस प्रकार के अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। बाकी भाषा के सभी जितने भी अपार्टमेंट जो मंडा गुटबाजी सबको एक साथ लेकर चलने के लिए प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री का, ये मुख्य उद्देश्य है फिलहाल। ठीक है, चलिए गौतम, सीएम के 2 दिवसीय दौरे पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों को तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद में रिक्त चल रहे पद पर कांग्रेस आलाकमान ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। वहीं पर गणेश गुदियाल को यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 1 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद में आखिरकार आलाकमान ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर ही दिया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव
संचालन समिति की जिम्मेदारी भी यहां पर दे दी गई है। तो वहीं पर कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी फेरबदल करके सबको खुश करने की पूरी कोशिश यहां पर करी है, लेकिन फिर भी लगातार विरोध के सुर उठ रहे हैं। पहले धारचूला विधायक हरीश धामी द्वारा चुनाव कमेटी की कुछ नई नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ने की धमकी देने की भी चर्चा थी, और अब विकास नगर के पूर्व विधायक नवप्रभात ने भी इस फेरबदल का विरोध जताया है। पार्टी में आ रही अंतर्कलह, गुटबाजी और नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होने पर जिम्मेदारियों को लेकर न्यूज इंडिया ने बात की नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, अब किस तरह से आप उसको निभाएंगे और किस तरह से सदन में मुद्दे अब गंभीरता से उठाए जाएंगे? देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन में समय समय पर मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दायित्व दिए हैं, और जो भी दायित्व मुझे दिया गया, मेरी कोशिश रही, मेरा प्रयास रहा कि कांग्रेस जनों को साथ लेकर के उस दायित्व का मैं निर्वहन करूँ। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व तो मिला है, निश्चित रूप से पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसका निर्वहन करूंगा, और ये प्रयास रहेगा कि 2022 में कांग्रेस की वापसी। सर, इस तरह से देखिए, गणेश गोदियाल जी को अध्यक्ष बना दिया गया है, और आपको प्रीतम सिंह जी जैसे कि आपको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है, तो अब 2022 में जब आप लोग जाएंगे तो किस तरह से समन्वय बनाएंगे ताकि 2022 का पूरा लाभ आप लोगों को मिल सके? देखिए, राजनीतिक दलों में बदलाव होते रहते हैं, दायित्व मिलते रहते हैं। मुझे पहले अध्यक्ष का दायित्व, अब नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया है। कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो हमसे ज़्यादा मजबूत हैं, जिन्होंने हमसे ज़्यादा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है, उनको मौका नहीं मिल पाया। ये बदलाव की प्रक्रिया है, और मैं समझता हूँ जब निकट भविष्य में कभी बदलाव होगा तो हमारे ऐसे साथियों को निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व मौका देगा। और समन्वय है, अध्यक्ष के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, हमारे तमाम उन साथियों को जिनको आज जिम्मेदारी सौंपी गई है, सबका दायित्व तो बनता है कि हम सबको साथ लेकर के चलते हुए इस राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। क्या 2022 में हरीश रावत जी के चेहरे पर ही कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी? ये बात कहाँ से पैदा हो गई, आप बताओ ना, कहीं लग रहा है आपको? भाई आप मुझे बताओ ना कि कोई, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई घोषणा की है? राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई घोषणा नहीं की है, दायित्व तो सौंपे हैं मुझे, नेता प्रतिपक्ष का गणेश गोदियाल को, अध्यक्ष का हरीश राव जी को जो है चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो चुनाव तो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। अपने सहयोगी रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, देखिए, कितने दिनों से लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष यहां पर किसे बनाया जाएगा, और अगर अध्यक्ष को यहां पर नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है तो फिर अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। हालांकि तमाम चीजें यहां पर क्लियर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं कि अंदर कलह अभी भी निकल कर सामने आ रही है, अंदर खाने में अभी भी इस बात को लेकर सुबुगाहट है कि जिन लोगों के नाम आलाकमान की ओर से चयनित किए गए हैं उनको लेकर अभी भी विधायक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल प्रीति, देखिए, इन नई नामों को लेकर कहीं ना कहीं खलबली जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है कांग्रेस में। जिस हिसाब से देखिए, एक महीने का लंबे समय हो गया था और उसमें भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने ना आना, और फिर ये अटकलें लगना कि प्रदेश अध्यक्ष भी नए हो सकते हैं, और साथ में ये भी अटकलें लगना कि एक नई टीम जो है कांग्रेस खड़ी कर सकती है, कहीं ना कहीं इन सब अटकलों पर अब विराम लगा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल शाम को लिस्ट जाहिर हुई है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहाँ नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी भी कांग्रेस को मिल चुके हैं, तो वहीं नए अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें प्रीतम सिंह की, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल चुके हैं, जिसको लेकर खलबली साफ तौर पे कांग्रेस में देखने को मिल रही थी। अगर कल देर शाम की बात करें प्रीति, तो जिस तरीके से देखने को मिला कि तमाम नाम ऐसे सामने आ रहे थे जो नाराज चल रहे थे, जिनको लेकर पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो गए उनके घर, और कहीं ना कहीं उन्हें मनाने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा, तो उसके मद्देनजर अब देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं
पार्टी जो है पर्दे डालती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर जो लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे उनकी तरफ से भी अब नाराज ना होने की प्रतिक्रिया वाली बाइटें भी साफ तौर पर सुनने को मिल रही है। यानी कह सकते हैं कि देखिए नए नामों के आने से, सबको नए पद मिलने से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं जिनको अभी तक किसी पद से नहीं नवाजा गया उनके पेट में तो साफ तौर पर दर्द उठा ही है। साथ में जिस हिसाब से संगठन पे भी अगर बात करें तो लगातार उत्तराखंड कांग्रेस पे ये आरोप लगते हैं कि दो खेमों में बटी हुई है कांग्रेस, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो सवाल या निशान है वो सच साबित होते हैं। जिस हिसाब से अगर बात करें तो एक टीम प्रदेश अध्यक्ष की होती है तो एक टीम अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बताई जाती है, तो उसके तहत भी देखा जा सकता है कि बहुत सारे नाम ऐसे उठकर आए जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी। हालांकि अब जो है कांग्रेस ने इस बात को साफ तौर पर नकार दिया है और ये बात साफ तौर पर कह दी है कि कोई भी किसी के अंदर नाराजगी नहीं है। हालांकि जब इस तरीके की बातें होती हैं, जब किसी को कोई पद मिलता है तो मन मुटाव जो है छोटा बहुत चलता है, लेकिन उस सबको करके एक अच्छे नेतृत्व के साथ पार्टी जो है आगे बढ़ेगी और 2022 में विजय हासिल करेगी। इस फॉर्मूले के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वाकई पार्टी के तमाम बड़े पदों पर फेरबदल यहां पर किया जाए। बहुत कम वक्त यहां पर बचा हुआ है और हर पार्टी यही उम्मीद कर रही है कि जो कम वक्त बचा हुआ है इसमें लगातार चुनाव प्रचार के लिए या जो भी पार्टी की रीति नीति है वो आम जन तक पहुंचती हुई नजर आए। साक्षी आप हमारे साथ बनी रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरा सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हीरा सिंह जी सबसे पहले तो कह सकते हैं कि इतने दिनों के अंतराल के बाद फाइनली यहां पर आलाकमान की ओर से नाम का ऐलान किया गया, प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष यहां पर बना दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह कि एक तो इतने दिनों बाद नाम का ऐलान किया गया और उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जो इस बात को लेकर नाराज लग रहे हैं। हीरा जी हाँ, पार्टी ने बहुत मंथन किया और मंथन के बाद समुद्र से जो हीरे नग हैं, जिनका कुर्बानी, जिनका इतिहास संघर्ष कर रहा है, किसान मजदूरों की धूप में बरसात में पार्टी ने काम किया, उन लोगों को नवाजा गया और अगले 2022 के चुनाव के मद्देनजर रखकर किया गया। नौजवानों को तरजीह दी गई क्योंकि भविष्य नौजवानों का और नौजवानों से देश का भविष्य जुड़ा है, तो पार्टी ने मंथन किया और जहां तक हो सका अच्छे लोगों को लाने का प्रयास किया गया। इससे कांग्रेस को ताकत मिलेगी आने वाले चुनाव में, हम बीजेपी का मुकाबला और बड़ी हिम्मत और साहस के साथ कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है, सब नवरत्न है हमारे, बड़ा कुर्बान त्याग बलिदान का इतिहास सबका, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं और इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। भागदौड़ में, निष्ठा में सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, कोई ग्रुपबाजी नहीं, कुछ नहीं, तो बड़ा काम किया। विलम्ब जरूर हुआ लेकिन बहुत सोच समझ करके हाईकमान ने कदम उठाया, जो भी है इसका परिणाम 2022 में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से नाराज होते रहते हैं लोग, जिसको वो नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन पार्टी पड़ी है। हीरा सिंह जी सवाल यही निकल कर सामने आ रहा है कि एक तो इतना टाइम लिया यहाँ पर आला कमान की ओर से और उसके बावजूद भी अब जिन नामों का ऐलान यहाँ पर किया गया है उसके बाद भी यहाँ पर अंतर्कलह की सुबुगाहट निकल कर सामने आ रही है। जो नाम निकल कर सामने आए हैं उसको लेकर अभी भी लोग कहीं ना कहीं बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसे आप लोग एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखो कमियां तो कहीं ना कहीं रहती है और हर लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 15-20 साल धूल छांकी, कांग्रेस झंडे उठाए, तिरंगे उठाए, कांग्रेस संघर्ष किया, कांग्रेस की पहचान है, वो लोग कहीं ना कहीं अदृश्य से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन सबका समायोजन किया, सम्मान किया जाएगा। नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिला है और हाईकमान ने सोचा क्या, उनका इतिहास देखा होगा, भविष्य कांग्रेस का और उत्तराखंड का उनके हाथों में सुरक्षित देखा होगा, तभी ऐसा निर्णय लिया। तो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत नाराजगी हर जगह होती है लेकिन वो अंतोगत्वा ठीक हो जाएगी और बहुत मंथन, बहुत विलम्ब हुआ लेकिन नौजवानों को मौका मिला। बहुत से लोग निश्चित रूप से चेहरे आदर्श हो गए जिनका संघर्ष का जीवन रहा है, उन सबको पार्टी निश्चित रूप से सम्मान देगी, तरजीह देगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हीरा सिंह जी देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते, बेशक वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या तमाम कोई दूसरी पार्टी हो, अंतर्कलह की खबरें हर पार्टी से निकलकर सामने आती है। पार्टी के आला कमान जो है वो लगातार कोशिश करते हैं कि इस तरह की खबरें अगर कहीं से निकल के आ रही हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश की जाए या जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करने की कोशिश की जाए। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष गणेश जी को बना दिया गया है, क्या उम्मीद करते हैं, क्या कुछ चुनौतियाँ आने वाले दिनों में उनके सामने रहेगी? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि पार्टी को एकजुट किया जाए, उसके अलावा फिर कह सकते हैं कि वाकई फिलहाल जो लगातार प्रदेश में चीजें चलती हुई नजर आ रही है उनका रुख किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, क्या कुछ चुनौतियां आपको नजर आती है हीरा सिंह जी?
निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो बीजेपी है जो छल कपट झूठ फरेब की पार्टी है, बड़े लालाओं की पार्टी है, धनबल के साथ सरकार गिरा सकते हैं, बना सकते हैं, उनसे मुकाबला करना है जी। उनके जो नीतियां टोटल विफल रही हैं शुरू से, आ किसानों के मजदूरों के और चाहे लोकायुक्त का मामला, बेरोजगारों की महिलाओं के प्लान का है जो इसमें कोरोना पीरियड में दवाओं के घपले हुए फर्जी सर्टिफिकेट्स बने, जो कर्मकार बोर्ड में 350 करोड़ घोटाला है, जो इंजीनियर प्रमोट कर दिए जो NH-74 में थे, ये सारे मामले इनको फेस करना पड़ेगा। ये बड़े जिम्मेदारी का काम है निश्चित रूप से, और पूरी टीम मिलकर काम करे, ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये कांटों भरा ताज है, इतना सहज और आसान नहीं है। कहना आसान है, दूर से लुभावना और आकर्षित लगता है, लेकिन अंदर से हमको बहुत मेहनत, उनके पास RSS जैसा संगठन है जो चुपचाप काम करता रहता है, हर लोगों को अफवाह फैलाता रहता है, हिंदू मुसलमान का पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात इस तरह करके गुमराह करने का वो लोग काम कर रहे, जो आप किसानों को भी आतंकवादी बता रहे हैं, जो 7 महीने से दिल्ली में पड़ा है, जिससे प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहा, तो वो और राय का पहाड़, पहाड़ का राय बनाना बीजेपी की आशा है, इन सबसे जूझना पड़ेगा अपने। तो कह सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर आला कमान की ओर से जिन नामों का ऐलान किया गया है, उसके बाद से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एकजुट होकर अब लोगों से मिलना शुरू कर देगी। अब आला कमान ने निर्णय लिया है, मंथन के बाद कुछ लोगों को सलाह मशवरा किया, आला कमान ने प्रयास किया होगा बिल्कुल निश्चित रूप से राय लेकर, लेकिन बहुत से लोगों के मुझे भी समाचार मिले हैं, बहुत से सीनियर लोग असंतुष्ट जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जिनकी इमेज है, जो कांग्रेस के नाम से जाने जाते हैं, जिनका डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश में अपना वजूद है, उन लोगों को इग्नोर नहीं कर, लेकिन नई पीढ़ी को कुछ सीखना चाहिए। ये चमक धमक से हट करके मजदूर और किसान की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी, आपको पहाड़ और मैदान के बीच की खाई को, कुमाऊं गढ़वाल के बीच की खाई को पाटना पड़ेगा, संघर्ष का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। केवल हीरा सिंह जी, आपको लगता है जैसे कि आपने खुद कहा कि वाकई ही कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी खबरें लगातार सामने आ रही है कि वो नाम निकलने के बाद में यहाँ पर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं ये असंतुष्टि जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में भारी ना पड़ जाए? नहीं, चुनाव में भारी नहीं, असंतुष्टि होती है थोड़े दिन की होती है, सब काम करेंगे, उनका जिनका जीवन कांग्रेस के साथ जुड़ा वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ लोगों की अनदेखी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, और कुछ लोगों के कहने पर संगठन निचला करता, संगठन आम भावना चलता है, संगठन में जिम्मेदारी, कुर्बानी और बलिदान और त्याग के बाद दी जाती है कि इसका लंबा संघर्ष है, कांग्रेस के इतिहास को जानता है, कांग्रेस के संघर्ष को जानता है, कांग्रेस की रीति नीति को जानता है, कांग्रेस का उद्देश्य आज क्या है, कल क्या है, परिलक्षित होना चाहिए, इन सब विचारधाराओं। हीरा सिंह जी, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है जो इतना वक्त यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो है वो लगातार काफी महीनों पहले से लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस यहाँ पर इंतजार कर रही थी नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो, अब ऐलान हो गया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इमेज जो है वो, इसकी छवि जो है लोगों के खिलाफ में या तमाम कार्यकर्ता जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव पड़ती हुई दिखाई दी है? कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पार्टी के प्रति वफादार है, डेडिकेटेड, उनके स्वाभिमान पर थोड़ा ठेस जरूर पहुंची प्रतीत हो रही है मुझे जी, लेकिन उनको सबको मिलकर के काम करें, अंतोगत पार्टी का लक्ष्य और पार्टी के मजबूती और राहुल गांधी सोनिया जी के हाथों को मजबूत करने का मामला जो कांग्रेस का नेतृत्व उनके हाथों में, ये सब हो जाएगा। इतना मंथन के बाद परिणाम निकला तो पार्टी हाईकमान ने जो नेता दिल्ली में पड़े रहे डेरा डाले, उनको पता होगा क्या तर्क दिए, क्या किया, और संगठन में बैलेंस करने की कोशिश करिए, नौजवानों को समय अधिक टाइम दिया गया, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल हीरा सिंह जी उम्मीद करते हैं कि वाकई जिस उम्मीद के साथ आला कमान ने यहां पर नामों का ऐलान किया है, उसी उम्मीद के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में तमाम कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरे। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी, आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।